सरपरस्त आला रजा इलेक्ट्रिक मार्केट व चेयरमैन अंजुमन ताजरान रहमान गलियां हाजी आसिफ लतीफ के जेरे एहतमाम मार्केट में कोरोना की वबा से निमटने के लिए इंतजाम और जरासीम को स्प्रे करवाने के लिए अपनी मदद आप के तहत इंतजाम किए गए। रजा इलेक्ट्रिक मार्केट में सरपरस्त आला हाजी आसिफ लतीफ की जेरे सदारत कोरोना की वबा से निमटने और SOPs पर अमल दरामद के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में रजा इलेक्ट्रिक मार्केट के सरपरस्त आला हाजी आसिफ लतीफ और दीगर अहदेदारों ने मुतफिका तौर पर फैसला किया कि मार्केट में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाकर कारोबार करने की इजाजत दी जाएगी। जो दुकानदार या ताजिर SOPs पर अमल दरामद नहीं करेगा उसे कारोबार करने और दुकान खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रजा इलेक्ट्रिक मार्केट में होने वाले इजलास के मौके पर साबिक नायब सदर लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स जिशान खलील, रजा इलेक्ट्रिक मार्केट के अहदेदारान मलक सोहनी, एजाज अहमद खान, अली इमरान लतीफ, अरशद इकबाल खान, आमिर अकरम, आमिर सईद, जहीर खान, राना नसीर, आशिर एजाज, अब्दुल वहीद, आमिर रजा, गुलाम मुस्तफा, मोहम्मद जावेद अख्तर, काशिफ अंजुम, राशिद खान समेत दीगर अहदेदारों की कसीर तादाद तकरीब के मौके पर मौजूद थी। तकरीब के मौके पर चेयरमैन रहमान गलियां व सरपरस्त आला रजा इलेक्ट्रिक मार्केट हाजी आसिफ लतीफ और साबिक नायब सदर लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स जिशान खलील की क्यादत में रजा इलेक्ट्रिक मार्केट के ने अपनी सरबराही में यके बाद दीगरे तमाम दुकानों का दौरा किया और कोरोना से बचाव के लिए स्प्रे भी करवाया गया, जबकि क़यादत की जानिब से दुकानदारों को कोरोना से बचाव और SOPs इस बारे आगाही भी फराहम की जाती रही। तकरीब के मौके पर न्यूज 6 के साथ गुफ्तगू करते हुए साबिक नायब सदर लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स जिशान खलील का कहना था कि रजा इलेक्ट्रिक मार्केट लाहौर की वाहिद मार्केट है जो SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवा रही है। आज रजा इलेक्ट्रिक मार्केट का जो ये लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स का हम लोगों ने प्यार फाउंडर अलायंस का ज़ेली ऑफिस बनाया, यहाँ पर एक SOPs के सिलसिले में मीटिंग हुई। पिछले 3 दिनों से यहाँ पर रजा इलेक्ट्रिक मार्केट में बड़ी एग्रेसिव कंपेन चल रही है, जिसके तहत ये लोगों को सैनिटाइजर्स भी दे रहे हैं, डिसइनफेक्टेंट भी दे रहे हैं और साथ में मास्क भी दे रहे हैं। और कल और परसों 2 दिन प्रॉपर मार्केट में स्प्रे कराया गया, वहाँ पर लोगों के पास जाया गया, देखा गया कि किस तरह सफाई का इंतजाम किया जा रहा है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। तो इस सिलसिले में आज हमारे यहाँ पर मलिक साहब की क्यादत में मीटिंग हुई और मैंने यहाँ पर पाया जी कि माशाल्लाह इन लोगों की जो एफ़र्ट है इस वक्त लाहौर की और कोई मार्केट ऐसे इस तरीके से एफर्ट नहीं कर रही जिस तरीके से इन लोगों ने की है। इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और साथ साथ में जिस तरीके से लोगों को इन्होंने मास्क, सैनिटाइज़र और डिसइनफेक्टेंट प्रोवाइड किए हैं, एक्चुअली बात यह है इस वक्त लोगों को एजुकेट करना है। ये नहीं है कि जी दे दी चीज़ और के जी कर लो, नहीं, इन्फोर्स करने के करना है। ये बेसिकली एक वबा ऐसी है जो कि इस वक्त फैल चुकी है दुनिया में बहुत बुरी तरह और राह चलते को भी होती जा रही है, इसलिए कि मेरे सामने बेतहाशा एग्जांपल्स ऐसी आई हैं जिनका कोई ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं था मगर उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। तकरीब के मौके पर रजा इलेक्ट्रिक मार्केट के अहदेदारों का कहना था कि मार्केट में रोजाना की बुनियाद पर अपनी मदद आपके तहत स्प्रे समेत तमाम इंतजाम करवाए जा रहे हैं। आज SOP पे अमल करवाया जी आसिफ लतीफ साहब जो हमारे सरपरस्त आला हैं और चेयरमैन रहमान गलियां हैं, इन्होंने हमें आज बल्कि आज से 10 दिन पहले जिस दिन मार्केटें ओपन हुई थी गवर्नमेंट ने ऐलान किया, तो इन्होंने उस दिन से ही वर्किंग शुरू करवा दी हमसे और उस दिन से आज तक हम लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह ये जो हमने काम किया है ये बल्कि पूरे लाहौर में सबसे पहले ये क्रेडिट हमारे हाजी आसिफ लतीफ़ साहब को जाता है जिन्होंने हमसे ये रात दिन एक करवा के ये काम करवाया। SOP पे सैनिटाइज़र, मास्क, यानी कि अपनी मदद आपके तहत, ये नहीं कि हमने किसी गवर्नमेंट से फ़ंड लिया है, ये बिल्कुल नहीं है, ये हाजी आसिफ साहब ने अपनी मदद आपके तहत हमसे ये काम करवाया। इन्होंने पल्ले से पैसे लगाते हैं और ये वाहिद शख्सियत हैं यहाँ पे रिमान गलियों में या ब्रांस रोड पे, ये पल्ले से पैसा लगा के और अपने बंदों को सेफ कर रहे हैं। रजा इलेक्ट्रिक मार्केट इंसानी जानों की हिफाजत के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम समेत तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करवा रही है जो कि दीगर तमाम मार्केटों और ताजरों के लिए काबिल तकलीद अमल है। कैमरामैन फरहान के साथ आदिल चौहान, न्यूज 6 लाहौर।